लोम शलोम शलोम, शलोम। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में नए साल में आप सभी ने कुछ न कुछ प्रतिज्ञा की होगी कुछ छोड़ा होगा कुछ सीखा होगा कुछ लिया होगा पर शुरुआत तो जीप से हुई बोलने से और मांगना पिछले समय में और ये मुख्य है बोलना मांगना जी और इस भेद को जानने के लिए शुद्ध भाषा रखी गई शुद्ध भाषा अर्थार्थ पवित्र शास्त्र के वचन और वो आत्मा के द्वारा हैं और इस भेद को और भी स्पष्ट पहला तिम्यूथी उसमें हैं कि जो भक्ति का भेद है वो बहुत स्पष्ट है गंभीर है पहला तिमूथी में है ये तीसरे अध्याय में वह जो शरीर में प्रकट हुआ अर्थात आत्मा में धर्मी ठहरा स्वर्गदूतों को दिखाई दिया अन्य जातियों में उसका प्रचार हुआ जगत में उस पर विश्वास किया गया और महिमा में ऊपर उठाया गया ये पूरे भक्ति का भेद है और ये शुरुआत से मसीह के आने से लेकर स्वर्ग में उठाए जाने के पूरे शब्द इसमें मौजूद हैं ये भक्ति की गंभीरता शरीर में होना शरीर में और आत्मा में धर्मी ठहरना बहुत सा हमेशा सुनते रहते हैं बिल्कुल पर बरार सफ़ा शुद्ध भाषा बोलना वचन बोलना वचन के साथ आत्मा के साथ बोलना क्योंकि हर जगह ज़्यादातर नबियों ने अपने आप को अयोग्य ठहराया मूसा से लेकर अगर एचकेल वगैरह इन सब याशा में देखें तो मुँह का भद्दा हूँ या अशुद्ध हूँ ये बातें कही गई ये इसीलिए थी कि वो बात हमारा विवेक गवाही देता है कि जो हम बोल रहे हैं या बता रहे हैं वो किसी के लिए नाश का कारण ना बने ठोकर खिलाने का कारण ना बने और कौन से व्यक्ति ठोकर खिलाते हैं जो इस संसार में इस युग में जो जिनका पेट ईश्वर है मजदूर हैं गैर जातियों के जुए में जुते हुए हैं कोई परहेज नहीं है यही तो इजराइली कर रहे थे वो हर चीज़ को स्वीकार करते हुए उनके साथी बने हुए हैं और भेड़ों के लिए कितना भयानक खतरा है इससे अनजान है खुद उसी जगह पर हैं और बोलना नहीं आया क्योंकि लालसा कुछ और है इसीलिए तो लालसा में भय है क्योंकि वो डरपोक हैं इसलिए दूसरों के साथ जुटे हुए हैं उनके सारे कार्यक्रमों में योगदान रहता है भरपूर योगदान रहता है और तो उनके आसपास वाले उनसे क्या सीखेंगे कि नहीं 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 सब एक है मैंने इस पर एक करा है वीडियो धर्म धर्म और अधर्म किसका धर्म कैसा धर्म तो आत्मा में धर्मी ठहरना प्रभु यीशु के लहू के द्वारा और बोलना वचन बोलना क्योंकि ये बातें पहले से है कि सभी उपदेशक ना बने और पहला इस चार में देखें तो कैसे कैसे लोग आ गए हैं बरमाने भटकाने वाले हज़ारों हज़ार पंत ये ये सूचनाएं देना मेरा काम है आपको कि कैसे कैसे आ गए हैं ये तो बात हमेशा होती रहेगी ये आप सब जानते हैं मुझसे ज़्यादा जानते हैं पर मेरा क्या जो मेरी जीभ है क्या सचमुच मेरे लिए आशीष का कारण है या श्राप का कारण है ये तो मुझे जानना समझना ज़रूरी है और जो आप बहुत मीठी भाषा में बात करें इन लोगों को साथ कर लें और उनके साथ हो जाएं सिर्फ छल के कारण तो साफ़ साफ, साफ क्यों ना रहें हर कोई पसंद करता है मैंने देखा है कि हर कोई पसंद करता है सच सच के साथ रहना थोड़े देर के लिए तकलीफ़ होती है वचन में लिखा हुआ है साफ और अगर हम तिम्योती पहला देख रहे हैं तो पहले अध्याय का पांचवा जरूर देखेंगे पहले ही अध्याय का पांचवा पद पा, शुद्ध मन अच्छा विवेक और निष्कपट विश्वास से प्रेम पैदा हो अगर ये ही हमने बांध ली गांठ ईश्व के नाम में उस लहू के द्वारा हमारी कोशिशों से नहीं वचन की वो सच्चाई की को प्रतीति कर लिया और मार्गदर्शक बना लिया इस सच्चाई को और प्रकाश को कि ये ज्योति जो आप पा रहे हैं दूसरों पर चमके तो काय के द्वारा चमकेगी आपके चेहरे के द्वारा शरीर के द्वारा नहीं ओठों के द्वारा उस भाषा के द्वारा उस शब्द के द्वारा जो पवित्र आत्मा के द्वारा निहित होगा और ऐसा सब कर सकते हैं इसके लिए अलग प्रयास नहीं पवित्र आत्मा सबके साथ है परिवार में पहले तो परिवार में ही अच्छे आशीष का कारण बन जाए जो घर के मुखिया हैं वही पहले अपने परिवार में अपने बच्चों के लिए अपनी पत्नियों के लिए अपने बुज़ुर्गों के लिए आशीष का कारण बने तो आपसी जो एक खून कहलाते हो संसार की भाषा में एक वंश कहलाते हो उसी में कितने मतभेद हैं घर के अगर सात आठ दस मेंबर जितने भी हैं और आचरण एका नहीं होना एकता नहीं होना वचन के साथ हाँ विरोध करने के लिए एकता बन जाएगी वो बोलते हैं ना कौन दोस्त बोलता है दुश्मन का दुश्मन दोस्त बन जाता है तेरा भी दुश्मन है मेरा भी दुश्मन है तो वो दोनों दोस्त बन जाएंगे ये षड्यंत्र शैतान का है और जो भरमाने भटकाने वाले ये सब बातें जो करी जा रही हैं पर बेसिक बात जो है बेसिक कि मेरा जीवन क्यों तो मेरे परिवार के जीवन में, में मेरा दायित्व क्या और वो अगर मैं नहीं निभा पा रहा हूँ मेरे साथ कठिनाई है या मैंने नहीं जाना है नहीं समझा है या मैं फिर भी ग़ुलामी में पड़ा हुआ हूँ मज़दूर हूँ दूसरे के अनुसार रास्ते पे जा रहा हूँ खुद के लिए प्रभु से मांगना नहीं आया है उसने हम सबको दिया है हर दिन का अनुग्रह हर दिन का अनुग्रह दिया है हम सब के लिए कोई विशेष नहीं है इसमें तो आप अपने परिवार में खुशियों के अंबार लगा सकते हैं छोटी छोटी चीज़ों को शेयर करके बांटकर कर एक दूसरे के लिए पहले खुशी देना सबसे उत्तम कार्य है ये आ, इससे आत्मा खुश होती है खुशियां हर कोई चाहता है और उसकी लालसा अपेक्षा यही रहती है और यही विवाद की वजह भी है घरों में सब संबंधों में विवाद की वजह यही है विरोध की वजह तो हमारे कर्म हमारे काम आत्मा के काम ईशु के साथ पवित्र आत्मा के साथ वचन के साथ ही सफल होंगे जब हम अपनी प्रार्थनाओं में इन बातों की इच्छा रखेंगे भली इच्छा रखेंगे और पहले अगर अपने घर का प्रबंधन नहीं कर सके तो फिर कैसा हो सकता है ये उन सब बातों उन सब लोगों के लिए लागू होती है ज्यादा उत्साह में कैसे कैसे कब कब गिर जाते हैं पवित्र शास्त्र साफ साफ बताता है पर स्थिर अगर एक वचन भी सच्चाई से हमारी आत्मा में विश्वास से दृढ़ है तो संपूर्ण पवित्र शास्त्र हमारे हृदय में मन में प्राण में बुद्धि में विद्यमान है वो स्थिर रहेगा वो रहेगा क्योंकि वही तो है प्रकाश और वो सच्चाई जो निरंतर आत्मा के मार्ग पर उस आत्मा को जो इस लाइक अपने आप को मानता है संतान का कर्तव्य दायित्व निभाता है यही तो बातचीत है परमेश्वर से और उसके सामने उसके आंगनों में खेलना कूदना वो देखता रहता है हर चीज को देखता रहता है अपनी हथेलियों में रखकर तो जय नया साल खूब हो गया ठीक है तो नए साल में भरपूर आशीष का कारण यीशु के साथ ईशु के नाम पे पवित्र आत्मा की मदद से बनिए किसी व्यक्ति की प्रार्थना वो कर देगा आप दृढ़ होइए ना बाइबिल पढ़िए दृढ़ होइए और विश्वास रखिए कि मजबूत करने वाला जिसने मेरे लिए प्राण दिए भक्ति का गंभीर भेद यही है कि आपकी भक्ति उसी के साथ हो सकती है व्यक्तिगत भक्ति अगर सोचें कि हमारे जीवनों के द्वारा हो तो मरेपन के साथ भक्ति का कुछ भी नहीं है वो तो सिर्फ ऐसा है कि एक आयने में चेहरा देखना और अलग हट जाना बहुत सी कमियों को देखा जा सकता है बाइबल में बहुत स्पष्ट है कि कैसे कैसे लोग आएंगे और हैं इस पृथ्वी पर जिन्होंने पूरा बिगाड़ दिया है अपने अपने नियम रीति रिवाज बिल्कुल हैं पर वो सब भेड़ें परमेश्वर से प्रेम रखती हैं और भूखी और प्यासी हैं ये बातें बहुत साफ है क्यों हैं भूखी और प्यासी खुद से बनाया हुआ खाना कितना स्वादिष्ट होता है चाइना ना आता हो हर व्यक्ति ने कभी ना कभी खाना बनाया होगा कुछ तो बनाया होगा तो निश्चित वो स्वादिष्ट भोजन होता है खुद के द्वारा आप बनिए लोगों के लिए प्रार्थना करने वाले और सुधार बनिए तो सुधार करिए कहा गया है पहला तिमूथस में कि कौन से लोग जो चार में हैं बहुत स्पष्ट कि चार चार देखें हम क्योंकि परमेश्वर की सृजी हुई हर एक वस्तु अच्छी है और कोई वस्तु अस्वीकार करने योग्य नहीं पर यह कि धन्यवाद के साथ खाई जाए अब सीधे जहाँ खाने की बात आ गई हो आ गई है तो वही खाना पीना आपके दिमाग में आ गया होगा कि वेज नॉन वेज शुद्ध अशुद्ध पवित्र और वचन साफ कह रहा है कि वो सब वस्तुएं और इसकी समझ देता है कोई भी अंगारा नहीं छूता जलेगा मालूम है जानबूझ के कोई जहर पीता है क्या नहीं अगर किसी ने धोखे से दे दिया है तो वो असर नहीं करेगा निश्चित पर प्रमाण अपनी शक्ति का प्रदर्शन कहीं से उचित नहीं है ये वो शिक्षाएं जो हम पा रहे हैं जो पवित्र आत्मा ने निश्चित की है इन समयों में निश्चित इकट्ठे हो मेल मिलाप ये सारी चीजें ठीक है पर व्यक्तिगत प्रभु पे विश्वास करें ना कि व्यक्ति पर बहुत सी बातें मेरे सामने आती हैं और निश्चित एक पीड़ित और दुखी व्यक्ति आशा खो देता है यथार्थवादी जो बातें हैं तो उसकी आशा में विश्वास रहेगा अगर इस यथार्थ में है और आपकी आशा कमज़ोर है झूला झूल रही है शंकाओं के साथ तो उसके लिए भी है ऐसा नहीं कि वो बात ख़त्म हो गई यही बातों का तो वचन ने ध्यान रखा है प्रभु यीशु ने निर्बलता पर ये प्रार्थनाओं में हो उसके साथ हो व्यक्तियों के साथ नहीं इन बातों में आपकी कोई व्यक्ति कोई मदद नहीं कर सकती ये समझाना बुझाना ज्ञान दिखाना समझाना ये अलग बात है भंडारी परमेश्वर है इन सब का और वो जिसे देता है बांट देता है उसके लिए देखिए पहला कुरंथी चार मनुष्य हमें मसीह के सेवक और परमेश्वर के भेदों के भंडारी समझे ये किसी एक व्यक्ति के लिए बोला जा रहा है मैं बोलूं की मेरे लिए बोला जा रहा है हाँ तो मुझे बोलना चाहिए जब मुझे मालूम होगा कि उन बातों के खुलासे मुझे मिल रहे हैं मेरे पास है वचन का भंडार चाहे वो थोड़ा हो पर वो विश्वास योग्य है वो काम करता है वहां प्रयोग नहीं है कि दो हजार ऐसे नियम हैं जिससे बल्ब नहीं बनाए जा सकते तो वो नहीं बनाए जा सकते बनाया एक ही से जाता है तो मेरे जीवन में जो एक है प्रभु यीशु और वो वचन है मेरे लिए काफी है ये आपको बल देगा आप व्यक्तिगत उसके साथ खड़े होंगे और जब ये बात रहेगी तो निश्चित आपके साथ वो खुशियां बिल्कुल रहेंगी और एक दूसरे को दे पाओगे अंधा अंधे को राह नहीं दिखा सकते कि वो एक दूसरे के दिखों को बांटे जैसे घूमने वाले करते हैं अपनी अपनी समस्याएं क्यों हैं है? तो न्यू में वो बातें चाहे आपने शुरू आत्मा से किया था पर शरीर में आकर भटक गए तो क्या खत्म हो गया नहीं यहीं पर शैतान को हराइए वो बातों के लिए जिसके अंदर आपके अंदर कड़वाहट भरी हुई है आपकी जीभ से जहर है विष निकलता है क्योंकि वो सोचों में विष है आप कल्पना करते हैं सच्ची बात आपको कड़वी लगती है क्योंकि एक हिस्सा जिसके आप गुलाम बने हुए हैं पैसा संसार पद प्रतिष्ठा और ये सब कुछ खाना पीना हर दिन बहुत सारे इकट्ठे हो जाएंगे आज यहाँ प्रार्थना है आज वहां प्रार्थना है आज ये वो मीटिंग है ये कॉन्फ्रेंस है बस और, बस और बस और बस बहुत अच्छा है करिए पर वहां आप एक दूसरे को खुशी दे पा रहे हैं कि डर के कारण इकट्ठे हो रहे हैं कि नहीं हम इकट्ठे हैं शरीर के तौर पर बिल्कुल हो खुशियां पाओगे तो खुशियां आकाल पड़ा हुआ है और टूटे हुए हैं पानी रुकता नहीं तो उसका सॉल्यूशन है बहुत सारी ऐसी चीजें हैं ना छेद बंद करने की लीकेज को खत्म करने की ये लीकेज खत्म हो जाएंगे और जो हम आगे बढ़े हैं जीप से और बोलना विश्वास से बोलना इच्छा रखना वो जो जगत का सिर्जन हार पालन तारन हार ने रखा वो इसलिए रखा कि हम बोलें, मुंह खोलें, तो सिर्फ बड़बड़ाना नहीं विश्वास से इस यथार्थ के साथ और वो सच्चा है यहां लिखा है भंडारी के भेद फिर यहाँ भंडारी में यह बात देखी जाती है कि वह विश्वास योग्य हो परंतु मेरी दृष्टि में यह बहुत छोटी बात है कि तुम या मनुष्यों का कोई न्याय मुझे परखे बिल्कुल कौन परखेगा मुझे परखोगे क्या परखोगे उससे क्या हो जाएगा मैं आपके सबके सामने वो सब बातें जो वचन की है तो क्या ये बात मैं क्या व्यक्तिगत अपने लिए कह रहा हूँ ये बात पवित्र आत्मा चाहता है की आपके मुँह से भी निकले की कोई आपको क्यों परखे परमेश्वर के हैं आप किसी की क्या हैसियत की कोई परखे आप पर यह कब होगा जब शुद्ध भाषा होगी हम आगे देखते हैं परंतु मेरी दृष्टि में यह बहुत छोटी बात है कि तुम या मनुष्यों का कोई न्याय मुझे परखे वरन मैं स्वयं को अपने आप को नहीं परखता वरन मैं स्वयं अपने आप को नहीं परखता क्योंकि मेरा मन मुझे किसी बात में दोषी नहीं ठहराता परंतु इससे मैं निर्दोष नहीं ठहरता क्योंकि मेरा परखने वाला प्रभु है बहुत छोटी बात है कोई मुझे परख रहा है बिल्कुल ऐसे इधर से उड़ा दो ऐसी धूल को परखते रहे डरपोकों के लिए कुछ नहीं जो भयभीत पड़े हैं और जुए में जीते हुए हैं हर बात में योगदान करते हैं उनके साथ बैठते उठते हैं और साबित करते हैं वो डरपोक भय से और कर रहे हैं ये काम अभी और करेंगे जितना दबाव बनेगा अभी अभी ग्यारह तारीखों को मैं नहीं जानता ये बाईस तारीख को क्या क्या होगा क्योंकि मनुष्यों के लिए जिनके साथ जुए में जुते हुए हो वो काम तो तुम करोगे ही हां सफाई में बहुत सारा कर दोगे पर यहां व्यक्तिगत आपकी बात है जिसके पास वचन है प्रभु यीशु है पवित्र आत्मा है भंडारी है एक वचन एक बीच बस और उसमें स्थाई रहना आपके लोगों के सामने जाएंगे तो चेहरा महत्वपूर्ण होता है अगर किसी को लगता होगा तो उसके लिए होता होगा हर एक व्यक्ति हर एक के लिए सुंदर नहीं होता आंखें किसी एक विशेष को सुंदर मानती हैं हमने किसको सुंदर माना है ये तो संसार और शरीर की भाषा हो गई तो सौंदर्य के बारे में हमने जाना है कि सौंदर्य उसका है उसका स्वभाव है जिसके लिए मैंने ये बताया था कि हमारे जीवन में कैसा बगीचा लगना चाहिए का कैसे फूल पत्ते और सारी चीजें होना चाहिए रंग बिरंगी सारी चीजें बहुत शानदार होनी चाहिए ये उसके साथ होती है खुशियों के साथ होती है शांति के साथ होती है पर ये वो वाली शांति नहीं कि चुप करके बैठ गई ये वो शांति ब्लेसिंग फुलफुलनेस जो स्वर्ग की ओर से मिलती है वहां की बहुतायत से है और जो जय पथ में है उसके लिए है तो ये सब आपको मानना है कि मैं हूं जो मैं कह रहा हूं व्यक्तिगत अपने लिए कि मैं हूं उसके साथ इन सब बातों में आप भी हैं यीशु ने कहा जहां मैं हूं वहां तुम भी रहो उसके साथ उन जगहों पर स्वर्गीय ये क्या संसार के कूड़े करकट में घूमना और उसको सौंदर्य समझना जो भ्रम फैलाता है और बड़ा अच्छा लगता है मन को तो प्रभु का मन मसीह का मन जब तक नहीं होगा ये बातें और ये कब होगा यही हम जान रहे सीख रहे हैं पवित्र आत्मा के साथ तो ये वो साहस के वचन विश्वास के वचन हर विश्वासी के लिए है उसके लिए बहुत बुद्धिमान ज्ञानवान होना की जरूरत नहीं है उस पर विश्वास कि वो ये सब कर सकता है ये भेद भक्ति के गंभीर भेद आप जान रहे हैं इसलिए जब तक प्रभु ना आए समय से पहले किसी बात का न्याय ना करो ये फाइनल हो जाना चाहिए कि मैं किसी के लिए न्याय क्यों हाँ वो कर रहा है वो उसका देखेगा मेरा काम है प्रार्थना करना और इन सब बातों के लिए उसे भी मजबूत करना संभालना पर अपने हाथों को मत जला लेना लाशोन हकोडस खदाम बरार सफ़ा हिब्रू में कहा जाता है मैं तुमसे शुद्ध बोल भाषा बुलवाऊंगा वो रिसोर्स से जो निकलती है जो खदाम से निकलती है जो पूर्व से निकलती है उसके सिंहासन से निकलती है और वो सब कुछ मुंह इसीलिए दिया गया है वो द्वार है जब कुछ नहीं था तो आवाज कहाँ से निकली वो हो मुंह से आवाज़ से स्वर से ध्वनि अब उसका आकार कुछ भी हो आप मनुष्य के मुंह का आकार देख लिए ओंठों का दांत का जीप का ये आकार पर जाना एक इमेज क्रिएट करना और उस कल्पना में रहने से अलग आखिरी कि जो बात जानते ही नहीं तो उसमें दोषी कैसे हम सब का कर्तव्य है जिन्होंने मसीह को पाया है पवित्र आत्मा को पाया है उन विरोधाभाषों को जो मसीही जगत में आए हैं बढ़ाने घटाने के लिए वो बटखरे तराजू ऐसे जो तौलते हैं किसी किसी को तो साफ साफ कहा गया है आत्मिक जन को परखना क्या उचित है प्रश्न आपके सामने है अगर संदेश से भरा है तो कोशिश करेगा पवित्र आत्मा प्रकट कर देंगे उसकी भाषा से उसके कामों से हर बात प्रकाश में आनी है पर जब ये एकता करीब समय है और भरपूर अभिषेक आत्मा का हमेशा में हर समय विद्यमान है जब बोलेगा तब आएगा ऐसा बिल्कुल नहीं है ईश्वर का वचन हर समय सारे उसका सारी सृष्टि पर उसकी गूंज है फैल गया है आप उसके बीच में हैं वचन के बीच में हैं आप अगर आप चाहते हैं कि आप रहें तो हैं पर अगर दुष्ट ने वहां से उठा के किनारे में डाल दिया है तो किनारे में कुछ नहीं है वो नहर के किनारे बैठे थे जड़े नहीं थी तो ये सब कुछ आपके परिवार के लिए वो तमाम कलिसियाओं के लिए चर्च और मिनिस्ट्री के लिए उसमें क्या हो रहा है उसका मैं न्याय नहीं वो कैसा कर रहे हैं नहीं पर वचन की सच्चाई से आप बहुतों के लिए भलाई का कारण बनेंगे ये उपदेश नहीं वो ये वो सुसमाचार है जो आत्मा की नवीनता के लिए निरंतर और निरंतर वो सब बातों का जो स्वर्गीय स्थान से हमारे लिए रखी गई है आशीषों की और सब प्रकार के अनुग्रह की वो आप पाते रहेंगे और जब पाएंगे हमारे जीवनों में वो होगा तभी आपके जीवन से वो बहेगा चाहे वो प्रकाश हो सोता हो लोगों के लिए तृप्ति का कारण बने और बहुत से आपके लिए भी तृप्ति का कारण बनेंगे क्योंकि हम एक दूसरे को संभालने के लिए ये विषय है पर हम उसको नजरअंदाज नहीं कर सकते जो घिनौना स्वरूप कट्टरता का जिसको छल का पाखंड का छिपा हुआ डिसेप्शन का कड़वाहट का उसे अलग करने की क्षमता आप में दी गई है आप अपने जीवन में हैं तो निकालिए किसी के जीवन में हैं तो निकालिए प्रार्थनाओं के द्वारा ईशु के नाम में हाँ उसे तकलीफ होगी बिल्कुल पर प्रभु महान है ये याद रखिए और ऊँटों से जब हमारा कुछ शब्द निकलता है तो वो पूरी सच्चाई के साथ हो और अगर ऐसा है तो निश्चित आप परमेश्वर के लिए उसके पुत्र के लिए पवित्र आत्मा के लिए आज्ञाकारी और ईमानदार हैं और जो ऐसे हैं वो निरंतर और निरंतर पवित्र शास्त्र की वो सब बातों के हकदार होंगे और उससे कहीं ज़्यादा होंगे पवित्र शास्त्र कहता है जो आज हम नहीं जानते इस अनुग्रह के साथ अपने परिवार में नित न होए बढ़िए फूलो फलिए और लोगों के लिए चंगाई का कारण बनिए